हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो लग्न लेकर आई हूँ वो है तुला लग्न, लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा राइजिंग। अगर आपके बर्थ चार्ट में पहले घर में 7 नंबर लिखा है, 7, तो आपका लग्न हुआ तुला। तुला लग्न आपका होता है पहले घर में, अगर पूर्व दिशा से तुला राशि उदित हो रही हो आपके जन्म के समय। तो लग्न कैसे देखते हैं, कितने प्रकार की राशियां हैं, कौन सी राशि के कौन स्वामी हैं, और चंद्र राशि कैसे देखते हैं, लग्न कैसे देखते हैं, और हर घर आपके बर्थ चार्ट का, आपके लग्न कुंडली का हर घर आपको क्या बताता है, ये सब हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि अगर आपके लग्न में बैठे हैं तो इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बन गई है, एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लगी रहेगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ये अगर आपके लग्न में तुला राशि बैठी है, 7 नंबर लिखा है, तो आपका असेंडेंट हुआ लिब्रा, आपका राइजिंग साइन हुआ लिब्रा। अब लिब्रा का सबसे पहले स्वामी कौन है, तो तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, वीनस, प्लैनेट वीनस। सिंबल क्या है इस लग्न का, इस राशि का सिंबल है एक तराजू, ठीक है, जिस पे हम नाप तौल करते हैं सामान खरीदते टाइम, वजन नापते टाइम हम तराजू को यूज़ करते हैं। तराजू हमें क्या दर्शाता है, तराजू हमें दर्शाता है बैलेंस, ठीक। तो इसका जो सिंबल है वो है बैलेंस। तो तुला राशि अगर आपके लग्न में है, इसका मतलब सबसे पहला मतलब ये हुआ कि आपके लिए इस जन्म में अपनी लाइफ में, अपने हर एरिया ऑफ लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना ही आपका मेन पर्पस है। पिछले जन्म में हो सकता है कि आप बैलेंस ना रहे हों, इस जन्म में आपकी इच्छा है कि आप हर कुछ बैलेंस बना कर चलें, तो ये इच्छा लेकर ही आपका जन्म हुआ है। अब बात करें पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी इनकी जनरली जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत अलग सा आकर्षण होता है इनकी पर्सनालिटी में, क्योंकि शुक्र की राशि है और शुक्र सुंदरता, लग्जरी, हार्मोनी इन सब को दर्शाते हैं, तो आपके अंदर ये चीज़ें बाय बर्थ रहेंगी। अब सातवें घर के जितने भी साइंस मैंने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी, वो सभी साइन आपके लग्न में आ गए, ठीक है। सातवां घर क्या इंडिकेट करता है काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, सातवां घर हमने डिस्कस किया था आपके स्पाउस को इंडिकेट करता है, आपकी लीगल पार्टनरशिप को इंडिकेट करता है, आपकी मैरिज को इंडिकेट करता है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को इंडिकेट करता है, आपकी लाइफ में जो अदर पीपल हैं उनको इंडिकेट करता है, इवन आपके बिजनेस को इंडिकेट करता है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए फर्स्ट हाउस में आ गई लिब्रा की लग्न के तौर पर, तो सातवें घर की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके लग्न में बैठ गई। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में ये जो एरिया ऑफ लाइफ है इससे रिलेटेड बैलेंस क्रिएट करना ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप दूसरों के साथ बैलेंस क्रिएट करके चलें, अपने स्पाउस के साथ बैलेंस बनाकर चलें, आप अपने बिजनेस पार्टनरशिप के साथ बैलेंस बनाकर चलें, लोगों के साथ बहुत अच्छा आपका तालमेल हो, बना कर चलने की आदत हो, किसी से बिगाड़ने में आपका ज़्यादा वो न, ईगो न रहे आपके अंदर, आप पीसफुल रिजोल्यूशन निकालना ज़्यादा पसंद करें, तो इस तरह की क्वालिटी बाय बर्थ आपके अंदर पाई जाएगी। पर्सनालिटी की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं इनके लिप्स, इनकी स्माइल, बहुत ही खूबसूरत फेस फीचर होता है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होती है इनके, ये सांवले हों, गोरे हों, किसी भी वर्ण के हों, बट एक अलग ही नेचुरल ग्लो इनके
फेस पर आपको दिखेगा, भीड़ से अलग दिखेंगे आपको, और बहुत ही सिमेट्रिकल बॉडी शेप रहेगा क्योंकि बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है, या एक आँख थोड़ी छोटी है, एक आँख थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो इनका सब कुछ बहुत प्रॉपर वे में सिमेट्रिकल बॉडी शेप, फिट एंड फाइन रहने की एनर्जी इनके अंदर होगी। थोड़ी मैस्कुलिन क्वालिटी भी इनके अंदर होगी। नेचर से बहुत सोशल होंगे, इंटरैक्ट करना, लोगों से बातें करना इन्हें बड़ा पसंद आएगा। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होंगे, अपने दिल में बातों को नहीं रखेंगे, जहाँ पे इन्हें लगेगा कि बता देना चाहिए वहाँ पर बता देंगे। बहुत प्रेजेंटेबल होंगे, अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करेंगे। इनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा होगा, बहुत प्लीजिंग वे में बात करना। अब बात करें तुला राशि की, तो ये एक एयर साइन है, ठीक है, तो वायु तत्व की राशि है। तो वायु तत्व क्या बताता है? बहुत जल्दी हवा देखिए घुल जाती है, तो ये लोगों के बीच में घुल जाएंगे, अडाप्टेबल होंगे, एडजस्टेबल होंगे। कम्युनिकेशन इनकी काफ़ी अच्छी होगी, इनका फ्रेंड सर्कल से काफ़ी बनकर रहेगा, मतलब काफ़ी अच्छा इनका रिश्ता ये चला सकेंगे। ये नहीं कि आज इससे सिर्फ फ्रेंडशिप कर ली, कल को किसी और के कहने पर या खुद के मूड स्विंग्स हुए तो ब्रेकअप कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत बैलेंस, अपने तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, किसी भी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका पर्पज़ ही यही है कि बैलेंस क्रिएट करके चलना है। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि क्योंकि शुक्र की एनर्जी है तो इन्हें खाने का बहुत शौक होता है, स्पेशली मीठा इन्हें बहुत पसंद होता है, फूडी होते हैं, इन्हें फूड अच्छे से अच्छी क्वालिटी का खाना हो, घर साफ़ सुथरा हो, लग्जरी हो घर में, छोटा घर हो या बड़ा घर हो, बट घर में हर चीज़ व्यवस्थित हो, इस चीज़ पर इनका फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, नीट एंड क्लीन हो। इन्हें घूमना फिरना, शुक्र से रिलेटेड जो कार्य हैं, इन्जॉय करना, ट्रैवल करना बहुत बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली ये कोशिश करेंगे कि अकेले ना जाएं, अपने साथ ये पूरी पलटन लेकर जाना पसंद करेंगे। अगर जॉइंट फैमिली है तो ये सबको लेकर जाना चाहेंगे, या फैमिली के साथ जाएं या फिर दोस्तों के साथ जाएं, बट इन्हें आउटिंग करने का बड़ा शौक रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड ट्रेट्स हैं जो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ शुक्र इस राशि में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो अगर शुक्र पॉजिटिवली बेस्ड हैं किसी हाउस में, अगर अच्छी पोजीशन में हैं, तो इनकी लाइफ में हर चीज़ इन्हें अपने समय से ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी होते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर एक मैनिपुलेटिव क्वालिटी भी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, घर में किसी तरह का अगर झगड़ा शुरू हो गया पापा मम्मी के बीच में, तो ये अगर हैं तो ये चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे, ये बैलेंस बना लेंगे। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये सुलझा देंगे उस प्रॉब्लम को, ठीक है। एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, इवन डाइटिशियन भी ये हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी डाइट फॉलो करने वाले, लोगों को एडवाइस करने वाले, भले ये खुद उसको कितना फॉलो करें वो तो इनके ऊपर है, लेकिन ये एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। इनको खुद को ज़रूरत हो तो कोई एडवाइस दे ना पाए, भले अपने आप को उस एरिया ऑफ लाइफ में अकेला पाएँ, खुद ही अपने आप को एडवाइस दें, बट ये लोगों के लिए हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर इनके जो दोस्त होते हैं या फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें फ़ीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, औरतों से दोस्ती करना बहुत पसंद होता है इन्हें, ठीक है। अब बात करें अगर इनके कुछ हैबिट्स की, तो इनके अंदर देखिए एक इनबॉर्न ऐसी क्वालिटी होगी कि इन्हें रिसर्च में बड़ा मन लगेगा, किसी भी तरह की रिसर्च, स्पेशली जो इन्हें नहीं पता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्हें मिस्टिसिज्म में बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो इनके लॉर्ड हैं उसका असर इनके ऊपर ज़रूर रहेगा, तो ये बहुत ज़्यादा ऑकल्ट फील्ड में या मिस्ट्रीज़, कोई मिस्टीरियस स्टोरीज़ या रहस्यमय चीज़ें, इन चीज़ों पर रिसर्च करने का इन्हें बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ये एक क्वालिटी है जो बहुत ज़्यादा मैंने देखी है जनरली लिब्रा असेंडेंट वालों के हैबिट्स में।
बात करें इनके दूसरे घर की, तो दूसरे घर में मंगल की राशि बैठी है, 8 नंबर लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो राशि। तो स्कॉर्पियो देखिए मंगल के गुण को कैरी करेगी। इनके घर में चीज़ें कई बार बहुत ज़ीरो से स्टार्ट होंगी, मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रही हो बट सडनली बहुत डाउनफॉल आ जाए, इनके पेरेंट्स की लाइफ में बहुत डाउनफॉल आ जाए, कोई सडन इवेंट्स इनकी फैमिली में देखने को मिले। या इनकी फैमिली में ये भी हो सकता है कि बहुत जॉब चेंजिंग वाली पोजीशन हो, जैसे इनके पिताजी या इनके दादाजी की कोई ट्रांसफरेबल जॉब हो, या बहुत ट्रैवल इन्वॉल्व हो। इवन इनके घर का माहौल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, थोड़ा कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो बड़ा अग्रेसिव हो, इस तरह का माहौल इनका घर का हो सकता है। ओवर एंड ऑल ये अपने घर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। और प्लस स्कॉर्पियो जो है ये सीक्रेटिव राशि होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि लिब्रा असेंडेंट वालों के घर का कोई सीक्रेट हो जो वो अपने मन में रखते हों, राज रखते हों। तो इस तरह की एनर्जी कुछ लेकर इनका सेकंड हाउस चलता है। बात करें थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस में गुरु की राशि धनु, 9 नंबर लिखा होगा आपके बर्थ चार्ट में। तो देखिए जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है उस पर बहुत चीज़ें वैरी करेंगी, लेकिन ओवर एंड ऑल इनके छोटे भाई बहनों के साथ इनका व्यवहार बहुत पीसफुल रहेगा। इनके लाइफ में ये हो सकता है कि एक फादर फिगर की तरह ट्रीट करें, अगर ये छोटे हैं ना तो भी ये बहुत बड़ों की तरह बिहेव करेंगे, बहुत सुलझा हुआ इनका दिमाग हो सकता है। इनकी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा विजडम को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनके पास, बड़ों की तरह। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत बड़ों की तरह बातें करते हैं, तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि अरे इतना छोटा सा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कहाँ से सीखा है। तो कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ ये कैरी करते हैं कम्युनिकेशन में, काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल कम्युनिकेशन इनकी हो सकती है, बहुत इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन हो सकती है। प्लस इनका दिल बहुत बड़ा रहेगा, मतलब अगर छोटे भाई बहनों को इनकी कोई चीज़ पसंद आ गई कि हाँ भैया तुम्हारा ये शर्ट हम ले लेते हैं, तो बिल्कुल मना नहीं, मतलब कोई ऐसा इनके अंदर नहीं रहेगा कि नहीं मत ले जा, बोलेंगे हाँ जो लेना ले ले। इस तरह की इनकी क्वालिटीज़ होगी जुपिटर की तरह, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो इनकी क्वालिटीज़ भी ये इनबॉर्न इस तरह की क्वालिटीज़ को कैरी करेंगे। बात करें इनके फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस माता का होता है, घर का होता है, आपके रिलैक्सेशन का होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है। तो यहाँ पर देखिए मकर राशि बैठी है, शनि की राशि। तो देखिए इनके प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ ना कुछ उलझने आ सकती हैं, जैसे इनके घर की प्रॉपर्टी या घर की प्रॉपर्टी में किसी का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट। घर का माहौल बड़ा डिसिप्लिन रहेगा, लेकिन अगर शनि की एनर्जी है तो इनकी माता स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी जो शुरुआती लाइफ हो बहुत स्ट्रगल वाली रही हो, ठीक है। इस तरह का कुछ इनका फोर्थ हाउस कैरी करेगा एनर्जीज़ को। बात करें फिफ्थ हाउस, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, बच्चे, तो वहाँ पर भी शनि की एनर्जी है और राशि है कुंभ। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हो सकता है इनकी खुद की पढ़ाई में भी हिंड्रेंस आए, किसी तरह का पढ़ाई में रुकावट आना, या पढ़ाई में स्लो ग्रेस्पिंग पावर जो होती है कुछ बच्चों को धीरे समझ में आता है, तो इस तरह की भी कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर पाई जा सकती हैं। साथ ही साथ आपके जो पेरेंट्स होंगे ना वो बड़े डिसिप्लिन्ड होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। कई बार आपको गुस्सा भी आएगा कि यार सबके पेरेंट्स तो ऐसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स इतने स्टबर्न टाइप के क्यों हैं, हर चीज़ टाइम पे, सोना टाइम पे, खाना टाइम पे, पढ़ना टाइम पे, खेलना टाइम पे, हर चीज़ को लेकर एक रूटीन सेट रहेगा। साथ ही साथ बात करें छठवें घर की, तो अगर आपका तुला लग्न है तो आपका छठवां घर जो कि है रोग, ऋण और शत्रु, एनिमीज़, हेल्थ, डिजीज़, वहाँ पर है जुपिटर की राशि मीन। तो डेफिनेटली आपके एनिमीज़, क्योंकि आप बहुत बैलेंस्ड होते हैं तो आपके ज़्यादा एनिमीज़ होंगे नहीं, लेकिन अगर होंगे ना तो आप एनिमीज़ के साथ बहुत मैनिपुलेटिव बिहेव करेंगे, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके एनिमीज़ एक टाइम पर आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं,
एनिमीज़ को ही आप दोस्त बना लो। जो एक टाइम पे आपका दुश्मन था, हो सकता है कुछ सालों में वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो। इस तरह की एक क्वालिटी आपके अंदर होगी। साथ ही साथ डिजीज़ की बात करें तो देखिए, जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर, तो जुपिटर कहाँ प्लेस है उस पर बहुत चीज़ें वैरी करेंगी, बट ओवर एंड ऑल डाइजेशन इशूज़, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़, इस तरह की प्रॉब्लम, लोअर बैक पेन, यूरिक एसिड से रिलेटेड इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आपको पाई जा सकती हैं। ठीक है, बात करें सेवेंथ हाउस की, आपके मैरिज का घर, आपके स्पाउस का हाउस, आपके किस तरीके की आपके स्पाउस की पर्सनालिटी हो सकती है अगर आपका तुला लग्न है तो। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, आपका बैलेंस्ड एनर्जी होगा और आपके ऑपोजिट में है मंगल की एनर्जी, तो आपके जो स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं। आप बैलेंस के साथ चलेंगे, आप हमेशा, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई, कोई झगड़ा हुआ तो कोशिश करेंगे आपकी चीज़ें सुलझ जाएं। आपके स्पाउस की तरफ से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा सा अग्रेसिव एटीट्यूड हो सकता है, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव हो सकता है, इमेच्योर बिहेवियर हो सकता है। आप बहुत मेच्योरली हैंडल करेंगे सिचुएशन को, बट उनका बिहेवियर इमेच्योर हो सकता है। पॉसिबल है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें, आर्मी, पुलिस, सेल्स एक्टिविटीज़, मशीनरी, टेक्निकल जो फील्ड्स हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, इस तरह के फील्ड से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। काफ़ी एनर्जेटिक होंगे आपके स्पाउस। बात करें एट्थ हाउस की, जो कि आपके इन लॉज का घर होता है, आपकी लॉन्जिविटी का घर होता है, आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स हम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है शुक्र की राशि वृषभ। वृषभ राशि देखिए, शुक्र की राशि है, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत ज्ञानी होंगे। लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सडन इवेंट्स होंगे और आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। ऑकल्ट में आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इन सब में आपका बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है। स्पिरिचुअल लोगों को सुनना, साधु संत की पुस्तकें पढ़ना, अपनी हिस्ट्री को जानना, अपने भगवानों के बारे में पूरी नॉलेज लेना, इस तरह का आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक इंटरेस्ट हो सकता है। अब इसके अलावा बात करें तो कुछ अदर रेल्म से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करना, एलियंस, UFOs, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट आपका हो सकता है। ससुराल की बात करें तो क्योंकि वृषभ राशि है, तो डेफिनेटली अगर शुक्र आपके अच्छे प्लेस्ड हैं, तो शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में, या अगर शुक्र अच्छे प्लेस्ड हैं, तो हो सकता है कि आपकी शादी के बाद आपका भाग्योदय हो जाए, या आपके ससुराल पक्ष से आपको बहुत प्यार मिले, बहुत ज़्यादा प्यार। और अगर वहीं वीनस डेबिलिटेटेड है, अच्छे पोजीशन में नहीं है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। बात करें भाग्यस्थान की, नौवें घर की, तो वहाँ पर है मिथुन राशि, जो कि है द्वि स्वभाव राशि, ड्यूअल साइन। तो यहाँ पर देखिए, कभी आपका भाग्य आपको बहुत अच्छी सिचुएशन में ले जाएगा, कभी बिल्कुल सडनली डाउनफॉल हो सकते हैं। सब कुछ आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। कई बार आप अपनी ही कम्युनिकेशन से अपने भाग्य को बहुत अच्छी पोजीशन पर ले जा सकते हैं, और कई बार ये भी हो सकता है कि सडनली आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आपका बनता काम बिगड़ गया। तो यहाँ पर क्योंकि मरकरी की राशि है, तो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगा। ट्रैवल में आपका बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, बहुत ज़्यादा आपकी बातों से वो एनर्जी झलके लोगों को कि हाँ, ये बंदा तो बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है। फादर के साथ आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आपका मरकरी प्रॉपरली प्लेस्ड है। बात करें कर्म भाव की, टेंथ हाउस की, तो वहाँ पर है चंद्र की राशि कर्क। अब अगर कर्क राशि वहाँ पर बैठी है, तो डेफिनेटली आपका कर्म स्थान बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। फूड एंड रेस्टोरेंट हो गया, शिपिंग बिजनेस हो गया, पानी से रिलेटेड कोई काम आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट अगर आप हैं, क्योंकि आप बहुत कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड व्लॉगर हो सकते हैं,
या ट्रैवल में बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम हो सकता है, फार्मेसी से रिलेटेड काम हो सकता है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई आपका काम हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है आपका खुद का। तो ये भी हो सकता है कि मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो आपके कर्म स्थान पर, या मदर की वजह से आपको कोई कर्म स्थान में कोई बेनिफिट मिला हो। बात करें आपके 11th हाउस की, जो कि गेन्स का हाउस है, बड़े भाई बहन का घर है, वहाँ पर सूर्य की राशि लियो बैठी है। अब अगर लियो आपके गेन्स के हाउस में बैठे हैं तो डेफिनेटली गेन्स तो होंगे, और आपके अंदर देखिए फ्रेंड सर्कल भी आपका लिमिटेड होगा, लेकिन लोग आपको बहुत ज़्यादा जानेंगे, लोग बहुत ज़्यादा जानेंगे, मतलब आप फेमस हो सकते हैं, लेकिन आपका खुद का फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड होगा। अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड होंगे, आप उंगलियों पर गिन सकें। साथ ही साथ आपको कई बार ये देखा जाता है कि अगर सिंह राशि बैठी है तो आपका नेटवर्क सर्कल में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत पावरफुल हों, कोई पावरफुल पॉलिटिशियन आपके नेटवर्क में हो, या आपका कोई सोर्स हो जिससे कि आपके काम बन जाएं, या लोग आपकी मदद लें किसी काम को करवाने के लिए, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपको गेन्स हो सकते हैं इसी काम के थ्रू। बात करें आपके 12th हाउस, जो कि मोक्ष का घर है, इवन लॉसेस का घर है, बेड प्लेजर का घर है, तो यहाँ पर है कन्या राशि वर्गो। तो देखिए लॉसेस, एक्सपेंडिचर किसी भी तरह का, या इवन आपके रिलेशनशिप में भी आप किसको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, इन सब में आप बड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे, बहुत कैलकुलेटिव होंगे, क्योंकि वर्गो बहुत कैलकुलेटिव राशि है, तो आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपका कोई करियर हो, कहाँ पर आपको कितना टाइम देना है। अगर आपको इवन डोनेशंस भी हम देखते हैं 12th हाउस से, तो अगर आप कहीं डोनेट भी कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि उस डोनेशन से क्या आपका कहीं ना कहीं से कोई फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है आपको कहीं ना कहीं से, तो आप हर चीज़ बहुत कैलकुलेशन के साथ करेंगे। वर्गो मरकरी की राशि है, तो डेफिनेटली आप इंदुजियास्टिक होंगे, एनर्जेटिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, बट आपका कंसंट्रेशन पावर थोड़ा सा कम हो सकता है, आप जो मटेरियल थिंग्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, मेरी जॉब, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा डेली रूटीन, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें, बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, ठीक है। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च लिब्रा असेंडेंट के ऊपर। अगर आपसे ये सिचुएशन रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसके अलावा भी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।